नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। इंडिया 50 के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां आईटीआई की परीक्षा रद्द होने के बाद बवाल हुआ है। अलग अलग शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया। नालंदा, भागलपुर और नवादा में छात्रों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। परीक्षा सेंटर में भी हंगामा किया। नालंदा में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल आईटीआई का पर्चा लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। आज से दोबारा परीक्षा होनी थी और इसी का विरोध ये छात्र कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो पहले परीक्षा हुई थी उसी पे नंबर दिए जाएं। ये छात्रों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह पर आगजनी कर रहे हैं और इनका छात्रों का विरोध जारी है। गया, बक्सर, औरंगाबाद में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। तो बिहार में आईटीआई के छात्रों का हंगामा लगातार जारी है। परीक्षा सेंटर्स पर भी छात्रों का हंगामा चल रहा है। आईटीआई की परीक्षा दोबारा लिए जाने के विरोध में भागलपुर में भी हंगामा हुआ। छात्रों ने भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में जमकर बवाल किया। मारवाड़ी कॉलेज से सटे रोड को जाम कर दिया गया। सेंटर पर कॉपी और पर्चे को फाड़ा गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, छात्रों का प्रदर्शन, जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। नवादा में भी छात्रों ने आगजनी की। ये भागलपुर बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टायर जला रहे हैं। और अब ये नवादा की तस्वीर आपके सामने है, यहाँ भी छात्र आगजनी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़क जाम कर दी गई है। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी लगातार की जा रही है। तो छात्रों में गुस्सा है, क्योंकि आईटीआई की जो परीक्षा थी उसको रद्द करना पड़ा था, पर्चा लीक हो गया था। और अब छात्रों की मांग है कि जो पुराना पर्चा हुआ था उसी पे नंबर दिए जाने चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव पूजन झा जुड़ गए हैं। शिव पूजन, अजब शहर की गजब तस्वीरें इस समय मेरे सामने हैं। बिहार में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो आपको शर्मिंदा करता है, और अब ये आप देखिए कि छात्र इस तरह से खुलेआम सामने आ गए हैं, आगजनी कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। लेकिन गलती कहीं ना कहीं इन छात्रों की नहीं है। आपकी व्यवस्था में पर्चा लीक हो ही कैसे जाता है? शिव पूजन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तब तक ये खबर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। नालंदा बिहार की ये तस्वीरें हैं। बिहार में कई शहरों में बवाल मचा हुआ है। दोबारा जो परीक्षा हो रही है आईटीआई की, उसका छात्र विरोध कर रहे हैं। पहली जो परीक्षा थी उसका पर्चा लीक हो गया था, उसके बाद इस आईटीआई की परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। अब छात्र इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अब हम दोबारा इम्तिहान नहीं देंगे, दोबारा हम परीक्षा नहीं देंगे, जो पहली परीक्षा हुई थी उसी के बल पर हमको नंबर दिए जाएं। तो बिहार में आईटीआई की जो परीक्षा रद्द हुई है उसके बाद बवाल मचा हुआ है। कई शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नालंदा बिहार की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि छात्र कैसे नारेबाजी कर रहे हैं, जगह जगह आगजनी कर रहे हैं। नालंदा, भागलपुर और नवादा। शिव पूजन हमसे जुड़ गए हैं। शिव पूजन, मेरा आपसे यही सवाल था कि इसमें गलती किसकी मानी जाए, सरकार की या छात्रों की? पर्चा आखिर बनता है तो लीक कैसे हो जाता है कि छात्रों को इस तरह सड़कों पर उतरना पड़ता है? देखिए, बात सही है कि इस परीक्षा में जबरदस्त तरीके से धांधली हुआ करती थी, कोई एकेडमिक कैलेंडर नहीं हुआ करता था। लेकिन पहली बार एक कोशिश की गई है कि इसको सिस्टमेटिक किया जाए, और इसी बाबत जब भी पर्चा लीक हो रहा है तो परीक्षा को रद्द किया जा रहा है, और इसी बाबत छात्र आक्रोशित हैं। जगह जगह से आगजनी की खबरें आ रही हैं। भागलपुर हो, नालंदा हो, नवादा हो, दानापुर हो, पटना तक में आगजनी की खबरें आ रही हैं। जाहिर तौर पर छात्र चाहते हैं कि जो पहले परीक्षा हुई थी उसी परीक्षा के आधार पर उनकी मार्कशीट तैयार की जाए, उन्हें अंक मिले। यहां पर छात्रों की हम कहेंगे कि गलती यह है कि छात्र नहीं चाहते कि एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी हो, और चूंकि आसानी से वो पहले परीक्षा पास कर जाया करते थे तो जाहिर तौर पर उन्हें सहूलियत होती थी। लेकिन पहली बार सख्ती बरती जा रही है, कड़ाई बरती जा रही है, एक सही तरीके से एकेडमिक कैलेंडर एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है, तो इसी का पुरजोर जो है कहते हैं कि छात्र इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। दूसरी ओर पहले लगातार इस तरीके की धांधली सामने आई थी, जहां पर्चा लीक हुआ करता था और जिसके पास पर्चा पहुंचता था वो आसानी से आईटीआई की परीक्षा, और इसीलिए आसानी रहती थी छात्रों को। अब हम समझ सकते हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से सीबीएसई में दसवीं के परीक्षा जो थी उसके पेपर लीक हो गए थे, अब ऐसा ही कुछ मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद शिव पूजन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।